बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रिहाना जावेद। आज का प्रोग्राम ईद स्पेशल प्रोग्राम है। ईद उल अज़हा की आमद आमद है, हर तरफ ईद की तैयारियाँ हो रही हैं। कुछ लोग जानवर खरीद चुके हैं और कुछ खरीद रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से 4 माह से लोग घरों में महदूद हैं, घर में बच्चे भी मौजूद हैं, मर्द हजरात मौजूद हैं, तो खवातीन जो हैं उनके ऊपर काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे सकती हैं। पार्लर वैसे ही ऑलरेडी बंद है। ईद के मौके पर जहां पर हमारा तमाम टाइम खवातीन का टाइम किचन में गुजरेगा, तो अपने आप को हमने फ्रेश रखना है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेज साजदा आबिद, जो मुल्तान में पुरनूर ब्यूटी पार्लर चला रही हैं। ब्यूटी टिप्स के हवाले से ये सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कर रही हैं और इसके अलावा ब्यूटिशियन के हवाले से मुख्तलिफ कोर्सेज किए हुए हैं। आज ये हमें बताएंगी कि कैसे हम पार्लर में जाए बगैर अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, घर में रहकर, घर से और घर के किचन से चीजें इस्तेमाल करके। तो मिसेस साजदा आबिद, आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने किचन से किस तरह अपने दिल को खूबसूरत बना सकते हैं और हम खूबसूरत नजर आ सकते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में हमारी बहुत अच्छी जो चीजें होती हैं, जो हम घर से अपने इस्तेमाल करते हैं, किचन से इस्तेमाल करते हैं, हमारे फ्रिज में रखी होती हैं, उससे हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इसी तरह हमारी स्किन को जो ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, वो पानी की ज़रूरत होती है। हम अपनी स्किन को पानी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। जितना जितना ज़्यादा हम पानी पीते रहेंगे, उतनी हमारी स्किन खूबसूरत नज़र आएगी, तरोताज़ा नज़र आएगी, फ्रेश नज़र आएगी। कि हम पानी पीकर अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी जिल को तरोताज़ा बना सकते हैं। तो साजिदा आप बताएंगी कि हमें 24 घंटे में कम से कम एक नॉर्मल इंसान को कितना पानी पीना चाहिए? जी, नॉर्मल हमें 12 से 15 गिलास रोज़ाना पीने चाहिए। जितना हमारे जिस्म के अंदर पानी का इंटेक पूरा होगा, हम ज़्यादा खूबसूरत और ताज़ा नज़र आएंगे। आप दो पौधों को ले लें, एक में आप पानी डालते रहें रोज़ाना और एक में आप पानी की मिकदार डालना कम कर दें, आप देखेंगे कि जो हरा भरा नज़र आएगा वो पानी की वजह से ही नज़र आएगा। जिसमें हम पानी ज़्यादा डालेंगे वो हरा भरा दिलकश नज़र आएगा, हमारी आँखों को अच्छा लगेगा। तो इसी तरह हमारी स्किन का भी यही हिसाब है, जितना हम पानी पीते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो इसी तरह हमारी स्किन भी ज़्यादा फ्रेश, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा ताज़ा नज़र आती है। जी, और इसके अलावा पानी के अलावा हम मुख्तलिफ तरह के जूसेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी जिल को फ्रेश रखें। जी, जूसेस भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं, विटामिन सी की कमी को पूरा करते हैं। इसमें आप आड़ू का जूस बना सकते हैं और इसके अलावा आम का जूस बना सकते हैं। घर में ही आप जूस बनाएं, फ्रेश जूस बनाएं और डब्बे का यूज़ नहीं करें, क्योंकि डब्बे का आपको फ्रेश नहीं मिलेगा। जी जी, तो इसमें ज़्यादा आप फ्रेश चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्टमक के लिए और हमारी स्किन के लिए। एप्पल का जूस भी बना सकते हैं आप। यानी आपके कहने का मतलब है कि ये तमाम जूसेस हम अपने घर में बनाएं, कि बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में केमिकल्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के, तो अब गर्मियों में अमूमन हमारी जिल्द बहुत ज़्यादा रफ़ और डल हो जाती है, इसको मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है। तो आप हमें बताएंगी कि किस तरीके से हम अपने चेहरे को मॉइस्चराइज किया जाए? जी, जिस तरह हमारे बॉडी को, हमारी स्किन को पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी स्किन को मॉइस्चराइजिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए किचन से ही रिलेटेड? किचन, आपकी किचन में दूध तो डेली आता है, बच्चों के इस्तेमाल के लिए हम रोज़ाना दूध पीते हैं, बच्चों को देते हैं, खुद पीते हैं, तो उससे हमें भलाई भी हासिल होती है, हमारे फ्रिज में ही भलाई होती है। उससे हम अपनी स्किन को खूबसूरत यानी कि मॉइस्चराइजिंग करेंगे तो हमारी स्किन ग्लो करेगी और खूबसूरत नज़र आएगी। हमारी स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप पेट्रोलियम जेली से भी मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं आप। इसके अलावा रोगने बादाम ले लें, इससे भी आप अपने फेस को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अभी आपको साजिदा ने बताया कि हम अपने चेहरे को किन किन चीज़ों से मॉइस्चराइज कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि हम किचन से बलाई यूज़ कर सकते हैं, रोगने बादाम हम अपने किचन में
होता है मौजूद हर घर में, तो वो यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इन पर हमें कोई खर्च नहीं आएगा, हमारे अपने ही किचन में मौजूद है। इसके अलावा साजदा हमें बताएंगे कि हमारे चेहरा जो डल हो जाता है, हम अपने चेहरे की क्लींजिंग कैसे कर सकते हैं किचन में ही रखी हुई चीजों से। जी, किचन में से ही आप अपने फेस की क्लींजिंग भी कर सकते हैं। जैसे भी बताया मैंने कि दूध की भलाई से हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे, इसी तरह हम अपनी स्किन को क्लींजिंग भी दूध से कर सकते हैं। तो जैसे रोजाना हम घरों में काम करते हैं, किचन में बहुत ज़्यादा काम होता है, कुछ लेडीज घर से बाहर जॉब के लिए जाती हैं, उनका सारे दिन फेस पर मेकअप होता है, अगर मेकअप की वो ना उतारें, क्लींजिंग ना करें डेली, तो पिंपल्स निकलने का वो खर्चा होता है। तो इसलिए हमें रात को सोने से पहले जरूर जो है क्लींजिंग करनी चाहिए। क्लींजिंग दूध के अलावा हम रोगन बादाम से भी कर सकते हैं। इसमें आप 1-2 ड्रॉप अपने हाथ पर और उसके अंदर पानी मिक्स करें थोड़ा सा, और फिर आप उससे क्लींजिंग करें। इसके अलावा और इससे ज़्यादा बेहतर अगर आप चाहते हैं क्लींजिंग भी हो, स्किन टाइट भी हो, तो आप पपीता ले लें, पपीते को ग्राइंड करें और उसमें थोड़ा सा दूध भी मिक्स करें। दूध और पपीते को ग्राइंड करके जब आप फेस पर क्लींजिंग करेंगे, उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी और स्किन टाइट भी होगी इससे, और आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और वाइटनिंग भी आएगी। वेरी गुड। अब ये देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप पार्लर की तरफ ही जा रहे हैं। पहले उन्होंने हमें अपनी जिल्द के लिए मॉइस्चराइजिंग का बताया, फिर क्लींजिंग का बताया, अब बताएंगे कि हम कैसे स्क्रब जो है वो यूज कर सकते हैं अपनी जिल्द के लिए। जी, जिस तरह क्लींजिंग मॉइस्चराइजिंग ये जरूरी है, इसी तरह हमारी स्किन डेड हो जाती है, फेस की स्किन बर्न हो जाती है, डेड हो जाती है, दाग धब्बे भी हो जाते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए हमारे फेस पर स्क्रबिंग की जरूरत होती है। कि हमारे किचन में टमाटर मौजूद होता है, हम रोजाना अपने खानों में टमाटर इस्तेमाल करते हैं, टमाटर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो टमाटर आप टमाटर को आप दरमियाने से काट लें और उसको फ्रिज में रख दें, जब वो ठंडा हो जाए तो उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी स्प्रेड कर लें, फिर आप टमाटर और चीनी को अपने फेस पर सर्कुलेशन मोशन में स्क्रब करें, मसाज करें उसका। सिर्फ आपने 2-3 मिनट इसका मसाज करना है, इससे ज़्यादा मसाज नहीं करना, रैशेज पड़ जाते हैं फेस पर। इसके अलावा हम चावल से भी स्क्रबिंग कर सकते हैं, चावल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे स्क्रबिंग भी होगी, आपकी फेस की टाइटनिंग भी होगी और वाइटनिंग भी होगी। चावल का आटा लिया जाएगा, चावल का पाउडर ब्लेंडर के अंदर डालकर इसको ब्लेंड कर लें, वो बहुत ज्यादा पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल थोड़ा सा जो है उसको हल्का सा मोटा रखना है, बिल्कुल वो पाउडर की तरह ना हो, थोड़ी सी उससे स्क्रबिंग। ठीक है जी, अब आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं, ईद स्पेशल प्रोग्राम है आपकी स्किन से मुतालिक और पार्लर से मुतालिक। द पाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यू फोन लाया सिम लगाओ ऑफर, तेज दम अब पहले से और भी तेज, दमदार और कड़क मजा लिए टपाल तेज दम, अब और भी बेहतर लगे ठाकर के। Office work ho ya family entertainment, WhatsApp ho ya video call, stay at home and enjoy BTCL Chargy unlimited package. Aaj hi ghar baithe online payment ke zariye apni Chargy device recharge ya reactivate kare and get unlimited internet package 24/7. Package hasil karne ke liye 12-18 milayen ya recharge options ke liye BTCL website visit kare. Har family different characters ka mixture hoti hai. फैमिली के इस मिक्सचर से मिलती है वो ही स्ट्रेंथ जो मिले टपाल फैमिली मिक्सचर के स्ट्रॉन्ग कप से। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यू फोन लाया सिम लगाओ ऑफर, टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली
मेरे। अब आपकी किस्मत का पहिया भी तेजी से घूमेगा और आप घूम सकेंगे अपनी मन पसंद गाड़ियों में। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड आपके लिए अपनी मन पसंद गाड़ी हासिल करने का शानदार प्लान। मैसी 240 फियाट 480 सिर्फ 15,500 रुपए माहाना किस्त में। सुजुकी रावी माहाना किस्त सिर्फ 16,700 रुपए। सुजुकी बोलान माहाना किस्त सिर्फ 19,000। ऑल्टो VX माहाना किस्त सिर्फ 20,500। ऑल्टो VXR माहाना किस्त सिर्फ 23,500। ऑल्टो VXL माहाना किस्त सिर्फ 27,000। यूनाइटेड ब्रावो माहाना किस्त सिर्फ 16,900। कल्टस VXR माहाना किस्त सिर्फ 31,000। कल्टस VXL माहाना किस्त सिर्फ 33,000। कल्टस AGS 80 माहाना किस्त सिर्फ 35,000। वेगनार VXR माहाना किस्त सिर्फ 27,500। वेगनार VXL माहाना किस्त सिर्फ 29,000। होंडा सिटी 1300 CC माहाना किस्त सिर्फ 41,300। होंडा सिटी 1500 CC माहाना किस्त सिर्फ 42,500। XLI माहाना किस्त सिर्फ 46,500। GLI माहाना किस्त सिर्फ 48,900। होंडा BRV माहाना किस्त सिर्फ 51,500। तमाम गाड़ियों की कुल एक साथ 60,000 कुर्रा अंदाजी हर महीने हुआ करेगी, तो फिर इंतजार किस बात का। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड साहिवाल ऑफिस तुफैल शहीद रोड मदीना ऑटो मार्केट साहिवाल। मजीद मालूमात के लिए चौधरी नेमतुल्ला फोन 03007228 76। चौधरी अमजद जावेद 03017936017। ये कड़वा सच है। आज का प्रोग्राम ईद स्पेशल प्रोग्राम है, जिसमें हमने आपको बताना है कि खवातीन अपने आप को कैसे खूबसूरत रख सकती हैं। और वो जो कहते हैं कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो आजकल ये रंग जो है वो मान पड़ चुका है। इसी रंग को उजागर करने के लिए, उजाला करने के लिए यहाँ पर हमारे स्टूडियो में मौजूद है साजदा आबिद, जो आपको बताएंगी कि किस तरीके से हम अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं ईद की मसरूफियात में से अपने आप के लिए टाइम निकालकर अपनी जिल्द पर किस तरह तवज्जो दे सकते हैं, पार्लर में जाए बगैर अपने आप को किस तरीके से हम खूबसूरत बना सकते हैं। जी साजदा ने अभी हमें इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि किस तरीके से अपने आप की अपनी जिल्द को मॉइस्चराइज किया जा सकता है, क्लिनजिंग कर सकते हैं और स्क्रब ला सकते हैं। अब आज के इस प्रोग्राम में आपको ईद स्पेशल मास्क के बारे में बताएंगे कि कैसे हम इस मास्क को अप्लाई करके अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं। जी साजदा, अभी हमने आपको क्लिनजिंग के बारे में बताया, मॉइस्चराइजिंग के बारे में बताया, स्क्रबिंग के बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं कि हम इनको किस तरीके से मास्क लगा के टाइट कर सकते हैं, वाइटनिंग ला सकते हैं, ग्लोइंग ला सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ईद स्पेशल मास्क, जिससे आपको पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आजकल पार्लर सब बंद है और हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है, सबका दिल चाहता है हम खूबसूरत भी लगे। इनकम होता है, गहमा गहमी भी है, बच्चे भी अच्छे तरीके से तैयार हो रहे हैं और खवातीन का भी दिल चाहता है हम खूबसूरत नजर आए, सबसे अच्छे नजर आए, हमारी स्किन ग्लो नजर आए और हम अपनी एज से पीछे की तरफ नजर आए, यानी कि हम जवान। जी जी,
कि हर हर खातून ये कहे कि अभी तो मैं जवान हूँ। तो आप इसके लिए कोई जो स्पेशल आपने मास्क आज बताना है प्रोग्राम में, जरा बताइएगा कि जी हम आपको जो आज मास्क बता रहे हैं उसमें आपने 1 टेबल स्पून बेसन लेना है, 1 टेबल स्पून चावल का आटा लेना है और 1 अंडे की जर्दी और 1 चुटकी जो है मीठा सोडा लेना है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट आप इसको लगाने के बाद छोड़ देंगे, फिर आप अपना फेस किसी भी प्लेन वाटर से जो है धोएं, आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लोइंग करेगा। आप देखेंगे उसी वक्त इसका रिजल्ट आएगा, उसी वक्त आपके फेस पर चमक आ जाएगी, आपका फेस टाइट हो जाएगा। वेरी गुड, देखिए इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं तमाम की तमाम हमारी किचन में मौजूद है और इसमें कोई कॉस्ट नहीं आती है, ये घर में ही से किचन में से निकाल कर हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और दूसरा कोई मास्क हो जिसको हम अपने चेहरे पर अप्लाई करें? जी इसके अलावा हम मास्क एक और चावल और अंडे की जल्दी से भी दोनों चीज़ों को मिक्स करके लगाएं तो हमारा चेहरा वाइट भी होगा इससे और बहुत ज़्यादा टाइटनिंग इफेक्ट भी आएगा और हमारी स्किन टाइट हो जाएगी और हम जो है जवान लगेंगे, हम खूबसूरत लगेंगे। जी ठीक है जी, जवान लगेंगे खूबसूरत लगेंगे, खवातीन की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि हम सबसे बेहतर नजर आए। इसके अलावा आजकल साजदा हमारे यहाँ खवातीन में सबसे बड़ा मसला है कि आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़ जाते हैं, इसकी वजह क्या है और इन हल्कों को खत्म कैसे किया जा सकता है? आजकल हम लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है, बच्चे घर पर हैं, मर्द घर पर हैं, कोई रूटीन नहीं है, कोई स्कूल जाने की रूटीन नहीं है, बच्चे लेट नाइट सोते हैं और हम भी उनके साथ जाग रहे होते हैं। जब बच्चे नहीं सोते तो हम कैसे सो सकते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती और हमारी नींद जब पूरी नहीं होती तो हमारी आंखों के नीचे हल्के शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा हम मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जी जी हमारे यहाँ आज के दौर में बच्चे और बच्चियाँ खास तौर पर मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है कि जब सुबह सोने का उठने का टाइम होता है तो बच्चे सो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आज के दौर में बच्चे बच्चियाँ जवान जो यंग होते हैं टीनेजर कि उनकी आंखों के गिर बहुत ज़्यादा हल्के पड़ जाते हैं, इन हल्कों को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए? आंखों के गिर जो हल्के हो जाते हैं ये बुरे भी लगते हैं बहुत। जी जी और अगर हम मेकअप करते हैं तो मेकअप भी अच्छा नहीं लगता है तो हमारी आँखें थकी थकी लगती हैं, हम थके थके लगते हैं, जब हमारी आँखें थकी थकी लगती हैं तो हम भी थके थके लगते हैं। तो इसके लिए आपके घर में खीरा मौजूद होता है जो हम सलाद के लिए यूज़ करते हैं, आप खीरा लें उसको काटें, गोल गोल काट लें आप और उसको फ्रिज में रख दें, जब वो फ्रिज में रखने के बाद ठंडा हो जाए तो आप अपनी आंखों पर रखकर उसे 10 से 15 मिनट रखें, फिर आप देखेंगे आपकी आंखें कितनी खूबसूरत नज़र आएंगी, फ्रेश नज़र आएंगी। इसके अलावा हम रोगने बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगने बादाम आप अपनी फिंगर जिसमें हम रिंग पहनते हैं, रिंग फिंगर होती है हमारी ये तीसरी उंगली, इसमें हम आँखों का मसाज तीसरी उंगली से होता है जिसमें हम रिंग पहनते हैं रिंग फिंगर, तो इसके ऊपर आप रोगने बादाम लगाएं फिर आप हल्का हल्का सा मसाज करें, आप देखेंगे कि 1-2 दिन के अप्लाई से ही आपकी आँखें खूबसूरत हो जाएंगी, आपके हल्के कम होना शुरू हो जाएंगे, इसको आप रात को भी लगा के सो सकते हैं। इसके अलावा हम चाय भी रोजाना पीते हैं और ये टी बैग्स जो होते हैं जी जी जो हम यूज के बाद उन्हें फेंक देते हैं, यूज करने के बाद फेंक देते हैं, इसको आप यूज करिए, पहले चाय पिए, मजे मजे की चाय पिए, फिर उसके बाद आप उसी टी बैग को लें अपने फ्रिज में रखें, जब वो ठंडा हो जाए फिर आप अपनी आंखों पर रखकर अपनी आंखों को खूबसूरत बनाए, जब आप 10 से 15 मिनट उसको आंखों के ऊपर रखेंगे तो आपको सुकून महसूस होगा, महसूस होता है, आप ज़हनी तौर पर भी जब आँखें ठंडी होंगी तो हमारा दिमाग भी ठंडा होता है, तो हमें खुद का सुकून महसूस होता है। ठीक है जी, ये आँखों के हल्कों का हो गया। नाज़रीन अक्सर हमने देखा है ख़वातीन में कि उनके होठों पर जो है वो ब्लैक से हो जाते हैं, ब्लैकिश से होते हैं, तो इसकी
आखिर वजह क्या है और इसको खत्म करने के लिए क्या टोटका इस्तेमाल किया जाएगा? जी, हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं, खवातीन लिपस्टिक लगाती हैं तो उससे वो ब्लैक हो जाते हैं, ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं। जी जी। और लिप्स को स्क्रबिंग भी किया जा सकता है, बादाम को कूट लें और उसको दूध के अंदर मिक्स करें और आप अपनी उंगली से उसका मसाज करें, हल्का हल्का मसाज करें, इससे आपकी जो डेड स्किन होगी वो भी उतर जाएगी और मुलायम हो जाएंगे आप। और इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि हमारे होंठ पिंक पिंक नजर आए, हमें लिपस्टिक लगाने की हर वक्त जरूरत ना पड़े जी। तो हमें पिंक पिंक लिप्स भी चाहिए, तो उसके लिए हम अपने ही घर में से अपनी सब्जियों में से जो सब्जियाँ होती हैं उसमें चुकंदर भी होता है, चुकंदर रेड होता है तो ये हमारे लिप्स को भी रेड बना देता है। जब हम इसका जूस निकाल कर लिप्स पर इस्तेमाल करते हैं, लगाएंगे तो इससे हमारे होंठ गुलाबी गुलाबी होना शुरू हो जाएंगे। इसको आप चुकंदर का जूस लें, उसको आप रात को लगा कर सो दें, सुबह देखेंगे आपके ठीक है। नाज़रीन देखिए, हमें यहाँ साजदा ने बताया कि किस तरीके से हम अपनी आंखों के गिर्द हल्के जो हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं, होंठों के ऊपर गुलाबीपन ला सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करके हम किचन के ही चीज़ों से अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। आज के दौर में एक बहुत बड़ा मसला है साजदा कि बच्चियों के लड़कों के बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। बाल के गिरने की वजूहात क्या है और इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, ये ज़रा बताइए नाज़रीन को। बच्चों के बाल भी गिर रहे हैं, बड़ों के बाल भी गिर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना आता है, उसकी वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और बच्चे खाने पीने से भी अवॉइड करते हैं, उनके हमें प्रोटीन नहीं मिल रही उनको जी खाना, तो खुराक की वजह से भी हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं जी। तो हम अपने बालों में दही, अंडा और तेल जी ये मिक्स करके लगाएं। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं इसके अलावा इसमें हम एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। एलोवेरा जेल भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे बालों को स्मूथ करता है। दही आपके बालों को स्मूथ करेगी, सिल्की बनाएगी, अंडे से आपके बालों की ग्रोथ होगी और झड़ना बंद हो जाएंगे। तेल जो होगा वो सरसों का तेल आप यूज कर लें, आप अगर आपके पास कोई और तेल नहीं है, तेल सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है बालों के लिए। और तेल उसमें सरसों का तेल डालें, दही, अंडा, सरसों का तेल और एलोवेरा जेल, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करें, अपने बालों पर अप्लाई करें। आप देखेंगे कि एक से दो बार एप्लीकेशन से ही आपके बालों में फर्क आना शुरू हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि बालों को गिरने से कैसे रोका जा सकता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यू फोन लाया सिम लगाओ ऑफर, तेज दब अब पहले से और भी तेज, दमदार और कड़क मजा लिए टपाल तेज दब, अब और भी बेहतर लगे ठाकर के। Office work ho ya family entertainment, WhatsApp ho ya video call, stay at home and enjoy BTCL Chargy unlimited package. Aaj hi ghar baithe online payment ke zariye apni Chargy device recharge ya reactivate kare and get unlimited internet package 24/7. Package hasil karne ke liye 12-18 milayen ya recharge options ke liye BTCL website visit kare. Har family different characters ka mixture hoti hai. फैमिली के इस मिक्सचर से मिलती है वो ही स्ट्रेंथ जो मिले टपाल फैमिली मिक्सचर के स्ट्रॉन्ग कप से। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यू फोन लाया सिम लगाओ ऑफर, टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी। अब आपकी किस्मत का पहिया भी तेजी से घूमेगा और आप घूम सकेंगे अपनी मन पसंद गाड़ियों में। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड, आपके लिए अपनी मन पसंद गाड़ी हासिल करने का शानदार प्लान। मैसी 240,
फियाट 480 सिर्फ 15,500 रुपए माहाना किस्त में, सुजुकी रावी माहाना किस्त सिर्फ 16,700 रुपए, सुजुकी बोलान माहाना किस्त सिर्फ 19,000, ऑल्टो VX माहाना किस्त सिर्फ 20,500, ऑल्टो VXR माहाना किस्त सिर्फ 23,500, ऑल्टो VXL माहाना किस्त सिर्फ 27,000, यूनाइटेड ब्रावो माहाना किस्त सिर्फ 16,900, कल्टस VXR माहाना किस्त सिर्फ 31,000, कल्टस VXL माहाना किस्त सिर्फ 33,000, कल्टस AGS 80 माहाना किस्त सिर्फ 35,000, वैगनार VXR माहाना किस्त सिर्फ 27,500, वैगनार VXL माहाना किस्त सिर्फ 29,000, होंडा सिटी 1300cc माहाना किस्त सिर्फ 41,300, होंडा सिटी 1500cc माहाना किस्त सिर्फ 42,500, XLI माहाना किस्त सिर्फ 46,500, GLI माहाना किस्त सिर्फ 48,900, होंडा BRV माहाना किस्त सिर्फ 51,500, तमाम गाड़ियों की कुल एक साथ 60,000 कुर्रा अंदाजी हर महीने हुआ करेगी, तो फिर इंतजार किस बात का। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड, साहिवाल ऑफिस, तुफैल शहीद रोड, मदीना ऑटो मार्केट, साहिवाल। मजीद मालूमात के लिए चौधरी नेमतुल्ला, फोन 03007228760, चौधरी अमजद जावेद 03017936017। ये कड़वा सच है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले आपको साजदा बता रही थी कि बालों को गिरने से कैसे रोका जा सकता है। आजकल का एक और बहुत ज्यादा मसला है कि बच्चों के बाल जो है वो सफेद हो रहे हैं, तो उनकी सफेद होने की वजह क्या है, और इसके अलावा आजकल खवातीन जो है अपने बालों को डाई करवाने के लिए पार्लर जाती हैं, जो एक अच्छा खासा कॉस्टली जो है प्रोसीजर है। तो घर में ही, घर की किचन की चीजों से किस तरीके से हम अपने बालों को डाई कर सकते हैं, तो साजदा बताइएगा खवातीन को कि किस तरीके से हम अपने बालों को डाई कर सकते हैं। जी, हमें बालों की ग्रोथ के अलावा हमारे बाल वाइट हो जाते हैं, छोटे बच्चों के और बच्चों के बाल भी वाइट हो जाते हैं, और फिर इनको कलर करवाना पड़ता है। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनको कलर करवाने से उनकी स्किन खराब हो जाती है, वो एलर्जी हो जाती है उनकी स्किन पर, तो हम घर में से ही ऐसी चीज इस्तेमाल करेंगे जिससे बालों का कलर भी आ जाए और आपकी स्किन भी सही रहे। तो आप मेहंदी इस्तेमाल करें, इसमें मेहंदी के साथ इसमें हम चॉकलेट पाउडर डालेंगे। आप कोको पाउडर कहा जाता है, कोको पाउडर जी, चॉकलेट पाउडर लें 1 से 1.5 चम्मच, उसे 1 गिलास पानी में बॉईल करें। जब वो अच्छी तरह से पक जाए तो आप उसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब हल्का सा नीम गर्म रह जाए तो आप 2 से 3 टेबल स्पून मेहंदी लेकर उसमें उसको मिक्स करें। उसके अंदर आप डालेंगे दही 2 टेबल स्पून और 1 अंडा। अंडा डालेंगे तो आपकी आपके बालों में शाइन आएगी। जी जी। और दही डालने से आपके जो बाल हैं वो स्मूथ होंगे। सिल्की, हम चाहते हैं ना हमारे बाल सिल्की स्मूथ भी हो और कलर भी अच्छा हो, इससे आपके बालों में ब्राउन कलर आएगा,
जैसे हम बरगंडी सा कलर होता है ना वो कलर आएगा, आपके ब्लैक बाल नहीं होंगे, इससे थोड़े से रेडिश की तरफ आएगा कलर, और आपकी जो इसमें मेहंदी होगी वो ज्यादा देर तक चलेगी आपकी। जी देखिए साजना ने जो हमें बताया कि बालों को किस तरीके से डाई किया जाता है, तो ये देखिए ये घर की किचन से ही हमें जो है चीजें ले सकते हैं, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये चीजें यूज करके हम अपने बालों को डाई कर सकते हैं। और साजदा आजकल एक और बहुत बड़ा मसला है हमारे कि मोटापा, क्या आप ये देखें आज के दौर में टीनेजर लड़कियां हैं लड़के हैं, हम तो खवातीन हो गई, चले हमारे ऊपर एज के एज वाइज जो है मोटापा आ रहा है, लेकिन आज के दौर में देखें 17-18 साल की 14-15 साल की बच्ची बच्चियां जो मोटापे की तरफ बहुत ज्यादा आ रही हैं, इसकी मोटापे की वजूहत क्या है और आखिर हम क्या चीजें यूज करेंगे जिसकी वजह से इस मोटापे से बचा जाए? मोटापे से खवातीन बहुत ज्यादा परेशान है, हम तो ये चाहते हैं हम खूबसूरत नजर आए, स्लिम और स्मार्ट होंगे तो हम खूबसूरत नजर आएंगे ना जी। तो वजूहत क्या है इसकी बताएं कि आखिर क्या वजह है कि मोटापे की तरफ हमारी जो है नई नस्ल तेजी से बढ़ रही है, ये हमारा रहन सहन के तरीके का भी मुख्तलिफ हो गया है। पहले की खवातीन घरों में झाड़ू पोछा करती जी जी, और आज के दौर में तो वाइपर पाइप इस तरीके से ये चीजें सारी। पोछा लगाने से आपका पेट भी अंदर जाता है, आपके थाइस पतले होते हैं और वॉक भी नहीं करते, चलो आज नहीं कल चले जाएंगे, चलो कल नहीं परसों चले जाएंगे, सुस्ती कर जाते हैं ना, इसी तरीके से होता है, तो वॉक भी नहीं होती है उनसे। अब इसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए कि हम मोटापे जो है उसकी वजूहत को कम करें, मोटापे से निजात मिल जाए हमें हमारी बच्चियों को या बच्चों को, तो हमें इसके लिए क्या क्या चीज यूज करनी चाहिए? हम रोजाना सुबह उठते हैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हैं, अपने नाश्ता बनाते हैं, तो हम अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं, हमें स्मार्ट नजर आना जी जी, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले जब नाश्ता बना रहे हैं उसके लिए हमारी नजर पानी पर पड़ती है, हम पानी पर हाथ भी धो रहे हैं, कोई बर्तन भी धो रहे हैं, तो हम 2 गिलास लेकर पानी को सॉस में डाले वो चूल्हे पर रख दें, आप थोड़ा सा और कोई काम करते रहे, जितने देर में थोड़ा सा हल्का सा पानी गर्म होगा, नीम गर्म पानी होगा, तो आप काम भी कर चुके होंगे, तो 2 गिलास पानी आपने नीम गर्म के पीने हैं सुबह, इससे आपकी चर्बी रेड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें पानी में कुछ और भी मिलाया जाए? जी पानी में आप लेमन जूस और शहद भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका वेट बहुत जल्द रेड्यूस होना, आपकी चर्बी बहुत जल्द रेड्यूस होना शुरू हो जाएगी और आप कम मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, लेमन और शहद से हमारा वजन कम हो जाएगा। जी नाज़रीन साजदा ने आपको बताया कि वजन को कम कर आसानी से किस तरीके से कम कर सकते हैं कि सुबह के वक्त आप जो है 2 गिलास पानी लें, उनको गर्म करें, नीम गर्म करें, उसमें आप लेमन जूस मिलाएं, 1 चम्मच शहद का मिलाएं और निहार मुंह जो है वो पी लें, वो इस्तेमाल करें। और साजदा क्या हम दोपहर के खाने में ये सैलड जो लेते हैं सब्जियों की सलाद वगैरह बना के लेते हैं, इससे भी हमारे वजन में कुछ कमी वाकई हो सकती है? जी इससे भी हमारे वजन में बहुत कमी होती है, हम लोग फास्ट फूड की तरफ चले गए, चिकन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बच्चियां बहुत ज्यादा चिकन खाती हैं, नहीं हमने बीफ नहीं लेनी, हमने मटन नहीं खाना, पिज्जा हो गए, शवारमा, बर्गर, ये टाइप की चीजें ना थी, ये हमारी जो है जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना मनफी तब्दीलियां पैदा हो रही है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चियों के चेहरों पर पिंपल्स निकल रहे हैं, इसकी वजह ये कि हम चिकन का यूज बहुत ज्यादा इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, इसका इस्तेमाल कम करें, फ्रेश जो है फ्रूट इस्तेमाल करें, फ्रेश सैलड इस्तेमाल करें, खीरा है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, इसकी सलाद बनाएं दोपहर में और वो खुद भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों बच्चियों को खिलाएं, तो देखेंगे चेहरे पर कैसी ताजगी आती है। और आपने बताया था कि खीरे का जूस भी बनाया जाता है, तो वो कैसे बनाया जाएगा? जी हम वेट लूज करने के लिए एक ड्रिंक पानी बनाते हैं जी जी, तो उसमें हम नींबू डालेंगे, आप 1 जग पानी लें, उसके अंदर 1 नींबू काट कर डाल दें और 1 खीरा डाल दें, आपने उसका छिलका नहीं उतारना, अच्छा साबुत डाल देना है, साबुत डाल दें या 2 पीस कर दें, साबुत नहीं डालें आप, 2 पीस कर दें, 3 पीस कर दें,
उसमें डाल दें कुछ पुदीने की पत्तियां डाल दें, उसमें उसके पत्ते डाल दें पुदीने के पत्ते, और थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा अदरक डाल दें जी जी। ये जब हम पानी पियेंगे हमारा वजन कम होना शुरू हो जाएगा। नाजीन देखिए कितना अच्छा इन्होंने बताया है जूस के, जिसकी वजह से ये निहारमो पीना है या दिन में किसी वक्त भी पी सकते हैं आप, सुबह बना लें और शाम को उसको खत्म करना है। ठीक है, अच्छा 4 गिलास एक जग होगा तो वो 4 गिलास कम से कम किलो के करीब तो होगा, 2 सुबह बनाएं और शाम तक यूज करें। ठीक है, अब ये तो था मोटापा जो था जिसकी हमने इतनी सारी टिप्स बताई है साजदा ने। अब एक और चीज है जो हमारे आम लेडीज का, लड़कों का, लड़कियों का मसला है कि निकल्स इनकी प्रॉब्लम्स होती है कि ये ब्लैक हो जाते हैं। साजदा जरा बताइएगा, नकल्स, सॉरी नकल्स। अच्छा, एक और मसला जो आजकल हमारा बहुत ज्यादा है नकल्स का, कि इनके ये ब्लैक हो जाते हैं, इनके लिए साजदा कोई टिप्स बताएंगे कि किस तरीके से हम ये ब्लैकिश जो है ये खत्म कर सकते हैं। जी, हम लोग अपने हाथों का ख्याल नहीं रखते जी जी, सारे नकल्स भी काले हो जाते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं। आप अगर आपकी साफ है और नकल्स काले हो अलहदा से आपके ब्लैक ब्लैक नजर आएंगे, तो आप नींबू और नमक लेकर नींबू के ऊपर नमक डालें और उसको उसको मसाज करें नकल्स के ऊपर मसाज करें, तो आप देखेंगे आपके नकल्स साफ होने शुरू हो जाएंगे। उसको आप लगाकर रात को भी छोड़ सकते हैं, इसमें आप कोई भी बादाम का तेल भी डाल सकते हैं, आपको बताया कि ईद स्पेशल प्रोग्राम है तो ईद स्पेशल मास्क का बताया आपको साजदा ने, अब वो आपको आपको एंटी एजिंग मास्क बताएंगे कि जिसका यूज करके आप अपनी उम्र से ज्यादा जवान नजर आएंगी, तो उसके लिए क्या अशिया दरकार होंगी कि जिनको यूज करके हम अपने आप को और उम्र से ज्यादा जवान नजर आ सकते हैं। जवान होने का तो हर खवातीन को ही शोर होता है, वो चाहती हैं हम जवान नजर आए और हमारी स्किन भी टाइट हो, हमारे हस्बैंड भी हमारी तारीफ करें। जब हमारी स्किन ग्लो होगी, हम खूबसूरत नजर आएंगे, तो हमारी तारीफ भी होगी, हमारे शोहर भी तारीफ करेंगे जी जी। और लोग भी तारीफ करेंगे। तो जो लेडीज 40 साल के बाद हमारी स्किन लूज होना शुरू हो जाती है जी, और रिंकल्स भी पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो हम एंटी एजिंग एक मास्क बताएंगे जिससे आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और रिंकल्स भी खत्म हो जाएंगे। आप आलू लें, उसको ब्लेंड कर लें जी जी। जब वो ब्लेंड हो जाए तो आपने 1 टेबल स्पून आलू लेना है और 1 टेबल स्पून बेसन लेना है जी, हाफ टीस्पून समुद्री झाग किसी भी पंसार से मिल जाएगी, समुद्री झाग समुद्री झाग ही आलू से शुरू। आप आलू लें, उसको ब्लेंडर मशीन में डालें, उसको ब्लेंड करें और 1 टेबल स्पून आलू जो आपके पास ब्लेंड हुआ है वो आलू लें, और उसके बाद मुल्तानी मिट्टी 1 टेबल स्पून, समुद्री झाग 1/2 टीस्पून लेंगे आप, और इसके अलावा चावल का आटा है और 1 टेबल स्पून बेसन और 1 अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी आपकी स्किन को टाइट करेगी जी, और चावल का आटा भी आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, वाइट भी करेगा और आपकी स्किन भी अच्छी साफ हो जाएगी। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है जी। तो बेसन भी वाइटनिंग की तरफ लेकर जाता है, मुल्तानी मिट्टी, तो ये मुल्तानी मिट्टी भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, ये भी हमारी स्किन को टाइट भी करती है और वाइट भी करती है। समुद्री छाप ये भी हमारी स्किन को टाइट भी करता है और वाइट भी करता है। आप ये लगाएं, आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा मास्क है, इससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा टाइट और वाइट हो जाती है। ये 45 साल की खवातीन, 50 साल की खवातीन, 40 साल की खवातीन, ये खवातीन लगा सकती हैं जिनकी स्किन जो है वो लूज हो जाती है, लूज हो जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं जी। ठीक है, साजदा ने हमें बताया कि किस तरीके से हम अपने
आपको फ्रेश रख सकते हैं कि 40 से 50 साल तक की खवातीन भी जो है वो इसको यूज कर सकती हैं। और इसमें इन्होंने जो चीजें बताई हैं, जैसे बेसन, पहले के दौर में खवातीन जो थी वो बेसन से ही मुंह धोया करती थी, बाल भी बेसन से धोया करती थी, मुल्तानी मिट्टी जो है उससे अपने चेहरे पर जो है मास्क लगाया करती थी। ये तो अब हमने पार्लर्स में इस्तेमाल करना शुरू किया है, ये पहले के दौर की खवातीन इसीलिए बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी। तो सादा ये बताएंगे कि गर्मियों में स्किन को जो है हम फ्रेश ताजा कैसे रख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा? ये तरबूज का गर्मियों में वाइटमिन सी की कमी हो जाती है जी जी, तो हमारी स्किन डल हो जाती है। तरबूज ले, आजकल तरबूज भी बहुत अच्छा आया हुआ है, खरबूजा भी बहुत अच्छा आया हुआ है जी जी। हम घरेलू चीजों के अलावा हमारे फल बहुत अच्छे होते हैं, जो हम फल खाते हैं तो हम वो अपने फेस पर अप्लाई भी कर सकते हैं जी। जो खा लेते हैं उसके बाद आपने अपने फेस पर लगा लें, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी जी। तरबूज ले लें आप, और तरबूज का फल, खरबूजे का फल जी, और एक बस हम ये कितनी देर तक लगाना चाहिए? ये आप 10 से 15 मिनट। ठीक है, तो इसका कोई टाइम तो नहीं है कि ये रात को लगाएं या दिन में लगाएं, किसी वक्त भी आप लगा सकते हैं? ये दिन में लगाएं। ठीक है, इसके अलावा आप ये बताएं कि खीरे का और क्या यूज हो सकता है, कि गर्मियों में खीरा बहुत ज्यादा आता है कि इसको हम खाते भी हैं, मुंह पर लगाते हैं, आंखों पर लगाते हैं, तो इसके अलावा और इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, हम दिन में किचन में बहुत सारे काम करते हैं जी, हमारी स्किन बर्न हो जाती है, हाँ जी, फ्रेश नजर नहीं आती, और हम कहीं बाहर जाते हैं तो तब भी हम सोचते हैं कि हमारी स्किन खराब ना हो, और इसके लिए आप खीरा बहुत ज्यादा ठंडा होता है जी, तो इससे आपकी स्किन फ्रेश रहती है। खीरे को ले आप और रोज वाटर जी, खीरा और रोज वाटर लेकर आप उसको ब्लेंड कर लें जी, फिर उसको किसी भी मलमल के कपड़े से छान लें और किसी भी शावर बोतल में डालकर रख लें जी। और जब आप किचन से बाहर आ रहे हैं या आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो आप अपने फेस पर इसको आपको ये बताया कि ये ईद स्पेशल प्रोग्राम है और ईद उल अजहा ये खास तौर पर खवातीन के लिए बहुत ज्यादा मसरूफियत का जो है इवेंट है, कि इसमें सारा दिन जो है खवातीन का किचन में गुजरता है, खाना बनाते हैं, मेहमानों की आमद होती है, तो इसमें अक्सर ये होता है कि खवातीन के हाथ जल जाते हैं, कभी गर्म घी लग जाता है हाथों पर, पांव पर, तो साजदा क्या आप बताएंगी कि किस तरीके से हम अपने हाथ जले हुए हाथों को जो है जहां पर जल जाता है उसके निशान को खत्म कर सकते हैं? जी, किचन में काम करते हुए हमारे अक्सर हाथ जल जाते हैं जी, कोई बर्तन लग जाता है या कोई ऑयल जो है वो जी गिर जाता है, तो हम इस पर फौरन जो जलन होती है, जलने के बाद जब कोई चीज लगती है हमारे स्किन के ऊपर तो बहुत ज्यादा जलन होती है, तो उस जलन को खत्म करने के लिए आप फौरन ही आलू लें, उसको किचन पर आप अपनी जहाँ से आपकी जला है वहाँ स्किन पर लगा लें, आप फौरन ही देखेंगे आपको ठंडक महसूस होगी। इसके अलावा पेस्ट भी लगा सकते हैं जी जी, शहद भी हमारे घरों में मौजूद होता है जी, हर किचन में मौजूद होता है। शहद से, शहद अगर हम लगाएंगे तो उससे आपके जले हुए का निशान भी नहीं रहेगा और आपको फौरन जो है ठंडक भी महसूस होगी। शहद वैसे भी बहुत अच्छी चीज है जी। तो देखिए नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ईद से मुतल्लिक हमने आपको और कितनी बातें, कितनी टिप्स बताई हैं अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए, कि आपके किचन में ही हम पार्लर को लेकर आ गए हैं और उस किचन की अशिया से ही हमने आपको खूबसूरत बना दिया है। साजदा, आजकल एक और बहुत बड़ा मसला है एक्ने का, कि हमारे बच्चों में, बच्चियों में चेहरों पर बहुत ज्यादा दाने निकल रहे हैं, तो इस एक्ने को खत्म करने के लिए घरेलू ही टोटकों से क्या चीज यूज की जाए कि बच्चों के चेहरों के ये दाने जो है खत्म हो जाए? वो बाहर से आते हैं, उनके फेस पर डस्ट बहुत ज्यादा लगी होती है, वो फेस भी नहीं धोते हैं, अपना ख्याल भी नहीं रखते हैं, जंक फूड भी खाते हैं जी, और इस तरह से बहुत ज्यादा मसले मसाए हैं बच्चों के, कि हमारे फेस पर, बच्चे कहते हैं कि हमारे फेस पर पिंपल्स निकल आए हैं, तो हम अपने ही किचन से
इसका इलाज कर सकते हैं। जी, वरना तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं होता नजर आता जो होना चाहिए। तो किचन से क्या चीज़ यूज़ करें? किचन से गरम मसाला तो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, हम खाने में गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर दालचीनी भी होती है। दालचीनी का आप पाउडर बनाए और उसमें बेकिंग सोडा डालें और उसे पानी से थोड़ा सा पेस्ट बना लें। जहाँ आपके पिंपल निकल आए कोई भी, तो वहाँ आप उसे अप्लाई करें, उसी जगह लगाएं, आपका पिंपल भी दब जाएगा और उसका निशान भी खत्म हो जाएगा एक दो। ठीक है जी, ये देखिए जी, अब पिंपल्स के बारे में भी बताया कि आपके घर में जो दालचीनी होती है उसको लें किचन में से, उसको आप ब्लेंड करें, उसके बाद उसके अंदर एक चुटकी जो है मीठा सोडा डालें और उसका पेस्ट बनाकर अपने दाने पर अप्लाई करें, जिससे इंशाल्लाह ताला आपका वो जो दाने हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और उनके निशान भी खत्म हो जाएंगे। तो आज का प्रोग्राम था जिल से मुतल्लिक, कि आपने प्रोग्राम में हमें मॉइस्चराइजिंग का बताया, स्क्रब का बताया, मास्क का बताया, ईद स्पेशल मास्क बताया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यही खत्म होता है। ये ईद स्पेशल प्रोग्राम था। साजदा आबिद को और रिहाना जावेद को इजाजत दीजिए। अल्लाह टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यू फोन लाया सिम लगाओ ऑफर, तेज दम अब पहले से और भी तेज, दमदार और कड़क मजा लिए टपाल तेज दम, अब और भी बेहतर लगे ठाकर के। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय BTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 12-18 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए BTCL वेबसाइट विजिट करें। हर फैमिली डिफरेंट कैरेक्टर्स का मिक्सचर होती है। फैमिली के इस मिक्सचर से मिलती है वो ही स्ट्रेंथ जो मिले टपाल फैमिली मिक्सचर के स्ट्रॉन्ग कप से। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यू फोन लाया सिम लगाओ ऑफर, टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रिहाना जावेद। आज का प्रोग्राम ईद स्पेशल प्रोग्राम है। ईद उल अज़हा की आमद आमद है, हर तरफ ईद की तैयारियाँ हो रही हैं। कुछ लोग